अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड ईद मुबारक डे टू। आज हम जा रहे हैं अम्मी के घर पे, लंच है। कल बड़ा टायरिंग दिन हो गया था, ज़ैना जो है वो थक गई थी, लेकिन थक के भी वो सो नहीं रही थी और घर आके फिर वो सोई है। इतना उसने इंजॉय किया है। मेरी जो दोस्त है मतिया के घर हम वहाँ गए, वहाँ बिल्ली थी उसके साथ लगी हुई, फिर क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर एंड एवरी थिंग, एंड थक के उसकी हालत बुरी थी लेकिन एंड तक वो सोई नहीं। और फिर हम लोग घर आए हैं कोई अराउंड 12 बजे, और फिर उसके बाद उसको चेंज वेंज किया, फिर वो सोई है। तो आज हमारा है लंच अम्मी के घर पे, तो मैं बस अब तैयारी करूँगी। अम्मी ने कहा था 3 बजे तक आ जाना, तो क्योंकि सब देर से उठते हैं, फर्स्ट डे सब थक जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम पहुँचते पहुँचते भी देर लगती है, देर से उठते हैं, देर से तैयारी शुरू होती है। तो बस अभी मैं तैयारी शुरू करूँगी। हादी साहब तो पीएस पे लगे हैं, उनको भी मैं चेक करूँ। अपना प्ले स्टेशन सुबह उठते ही वो खोल लेता है। हादी, कैन यू गेट रेडी क्विकली, वी हैव टू गो टू आनीस हाउस। तो बस अब ये है, आज मैं दिखाती हूँ कि हम क्या पहन रहे हैं। अगेन इट्स अ मैचिंग डे फॉर मी, ज़ैना एंड अनाया। आई विल शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। डे टू हमारा है जी, ये चिकन की शर्ट विद ये लॉन्ग शर्ट है चिकन की, एंड ये इसकी स्लीव्स हैं हैंगिंग पिकीज, और ये इसकी पैंट्स हैं। और यही हमने बनाया है इनाया के लिए विद चेंज इन बटन्स। पैंट्स आर द सेम, इस तरीके की शर्ट है, और ज़ैना की स्लीवलेस है विद द सेम पैंट्स, छोटी छोटी सी पैंट्स इसकी। एंड ये है आज की हमारे आउटफिट्स। अब फिर मैं आपको तैयार होके दिखाऊंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, क्योंकि टाइम हो गया है तैयार होने का। मुझे ज़ैना को नहलाना भी है और तैयार होना है, और फिर उसके बाद तैयार होके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं अपनी अभी सॉर्ट आउट करी थी कि अभी ज्वेलरी क्या पहनूँ। तो ये तो मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें अच्छा इसका एक गुम हो चुका है, इसका भी है, आई थिंक इसका भी एक गुम हो गया, फिर भी मैंने एक एक रखे हुए, शायद मिल जाए कभी। तो खैर एनीवेज, तो मैं सोच रही थी, और फिर मेरे पास ये भी ज्वेलरी है। आई वॉज थिंकिंग आई डोंट वेयर दीज, तो ये वाले पहन लो या फिर ये पहन लो उसके साथ, बिकॉज बाकी तो ये मैंने कल ये वाले पहन चुकी हूँ, आपने देखा था अपने रेड सूट के साथ। आई वोर दीज, और ये भी रेड है चांद वाली जो होती है, बट ये नहीं पहन रही। आई थिंक आई एम गोना वेयर दीज और दीज, वन ऑफ द टू मैं से कोई एक पहनूंगी। बाकी ये मुझे बड़े पसंद है, ये माय मदर इन लॉ गॉट दीज फॉर मी कुंदन के, बड़े प्यारी मुझे ये वालियाँ लगती हैं पहनने में, बड़े मज़ा आता है, बहुत ही क्यूट से हैं। और बाकी ये दिस इज़ माय स्मॉल टॉप्स के और बालियों की कलेक्शन दैट आई वेयर ऑन डेली बेसिस, नहीं जाना होता है तो आप उसके साथ मैच कर लें। ये मेरे पास एक रिंग है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है तो मेरा, दिस इज़ अ रिंग। और ये मैंने पेंडेंट बनवाया था जिस पे सबके नाम लिखे हुए थे, जिसकी चेन जो है वो ज़ैना ने खींच के तोड़ दी। बाकी ये भी मेरे पास एक इयरिंग था, माय फ्रेंड मारिया शी गेव दिस टू मी, गिफ्ट दिया था, इस पे हे लिखा हुआ हीरा का, और आई थिंक आई एम गोना वेयर दिस। ये वाले भाई, लेकिन मैं पहन चुके हैं बहुत दफ़ा, दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस, बट इसका एक जो है ना ये लूज हो गया है ऊपर का लॉक, तो ये नहीं मैं पहनूंगी। आई कैन वेयर दीज ऑल्सो, ये भी अच्छे हैं मेरे वाले ना, लेकिन मुझे आई थिंक आई डोंट नो आई हैव अ फीलिंग आई वेयर दीज देन, मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। तो चले लेट मी जस्ट गेट रेडी एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि इवेंचुअली मैंने क्या पहना। मैं और इनाया रेडी हो गए, ज़ैना भी रेडी हो गई है लेकिन वो चली गई है अपनी। इनाया दिखाओ अपना आउटफिट, वाओ। ज़ैना गई है अपनी दादी के पास नीचे, और मैं भी रेडी हूँ, मैं आपको फुल एक सेकंड दिखाती हूँ लेंथ में, एक मिनट। फुल मिरर जो है ना हमारा वो रूम में भी अलग अंदर इस तरह तैयार हो रहा है, तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ। देखिए जी, मैंने
मैंने पहनी आज फ्लैट्स बिकॉज जैना के साथ हील पहन के कल मैं काफ़ी जो है वो थक गई थी, तो आज मैंने फ्लैट्स पहन ली हैं. And Naya wants to show her chappal also. She bought. You can put the foot down, Naya. I can still show. Very pretty. And this is Naya's look. और अब हम सब रेडी हैं, अब हम जाएंगे अम्मी के घर और लंच करेंगे. वहाँ की भी मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगी. और लेट मी आस्क अरसलान, आर यू रेडी? हम निकल गए अम्मी के घर जाने के लिए. जैना की मैंने जल्दी से गाड़ी में दो पोनी चार बानों की बना दी है. जैना को नींद आ गई अब तो. और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है आज. मतलब मैं दो मिनट में जो है ना, आई वॉज मेल्टिंग आउटसाइड. 32 डिग्रीज है लेकिन फील लाइक बहुत गर्मी. एग्जैक्ट. और ये बाहर रोड का हाल देखने, जंपिंग जैक बनी है रोड. और ये हाथ पीछे छुपा हुआ. मैं क्या पहुँचने वाले, फिर मैं आपको वहाँ से कंटिन्यू करूँगी. ओके बाय बाय. कि हम आ गए अम्मी के घर और हम करेंगे लंच. जैना चढ़ गई अबू की गोद में. मैं तो पहले खाना खिलाऊंगी, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ. सब आ गए अम्मी के घर में, अब लंच लगेगा. और बस सब वेट कर रहे हैं मेरी बहन के आने का. वो आ गई है तो बस अब लंच लगेगा. और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है मेन्यू आज. ये है हमारा मेन्यू, बिरयानी. और ये क्या है अम्मी? कोरमा है, कीमा कढ़ाई है, सॉरी हलीम और कच्चे कीमे के कबाब और शीरमाल और नान. और ये अब खाने का टाइम हो गया. फोन छोड़े जैना. जैना की नहीं है और जैद की है और ये हादी की है और ये मरियम की है. और जैना की कहाँ है? जैना जैना ये जैना की जैना. और ये हेरा तुम्हारी है. शुक्रिया. और ये बशु तुम्हारी. शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू जैनू. लंच सबने कर लिया, अब आराम से बैठे. मैं खा रही हूँ शीर और अब हो गया चाय सेशन. अब आराम से बैठे हुए बच्चे अपना लगे हुए, हम लोग अपना बैठे हुए. मैं शीर इंजॉय कर रही हूँ. अच्छा जी, अब हम निकल गए अम्मी के घर से. अब हम जा रहे हैं अरसलान की खाला के घर, बिकॉज हम कल उनको विजिट नहीं कर सके थे. बहुत सारे जगहों का जो है ना वो क्लैश हो रहा था, तो बस अब हम वहाँ जा रहे हैं. उसके बाद हम जाएंगे घर और रेस्ट करेंगे. आज हमारा शॉर्ट ट्रिप डे है तो रात में हमें जाना है. हाँ तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर हम रात में जाएंगे. तो आज के लिए ये था, मम्मी के घर लंच किया, बस खाला के घर जा रहे हैं और फिर घर जाएंगे. मम्मा का रोज़ा है लेकिन जब तक हम पहुँचेंगे आई थिंक उनका रोज़ा खुल गया होगा. या विल ट्राई टू गेट होम फॉर हर अफ्तारी. तो जाना पा रही नहीं. तो चले जी, अब आज के लिए आई थिंक दिस वॉज इट. एंड ईद मुबारक वंस अगेन. कल डे 3 है ईद का, तो कल देखें फिर कल क्या मैं पोस्ट करती हूँ. आज के लिए ये था. केयर एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.